प्रतापगढ़ की सियासत में बुधवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी के उम्मीदवार माधुरी पटेल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। प्रमोद ने दावा किया कि माधुरी का जीतना तय है। 12 जिला पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की उम्मीदवार माधुरी का समर्थन करना राजनीतिक दृष्टिकोण से जनहित में लिया गया फैसला है। प्रमोद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालगंज का ट्रामा सेंटर हो या फिर मंगापुर उदयपुर के नाम से स्वीकृत ब्लॉक अथवा आदर्श टाउन एरिया लालगंज का निर्माण, सरकार के स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें बाधा खड़ी कर रहे हैं। कहा कि यूपी सरकार ने मेढ़ी अठीहा ननौती उजाहार रेललाइन पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार ने राजनीतिक विद्वेष के चलते पिछले 7 वर्ष में रेल परियोजना को रोक रखा है। सत्ता की लालसा में भाजपा के नेता स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंच से उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार माधुरी पटेल, सुंदरलाल पटेल, दिलीप पांडे, ममता सिंह परिहार, लालजी यादव, रघुनाथ सरोज, गीता द्विवेदी, भानुमती सिंह, अनिल सरोज, अजय यादव, विनोद पटेल मौजूद रहे।